सॉरी फॉर द इंटरपन थैंक्स टू पी टी सी एल इंटरनेट और ऊपर से um, बारिश भी हो गई है तो कोई नहीं वी हैव टू मैनेज होपफुली आप लोग अब मुझे दोबारा देख सकते हैं तो जी <coughs> चले सही है ठीक है तो आ, मैं बता रहा था कि हम लोग जो हैं वो सी की जो प्राइमरी कॉज है दैट इज सिगरेट स्मोकिंग आके इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि सी ओ पी डी एस्तमा से कैसे डिफरेंट है पैटर्न ऑफ एयरवे इनफ्लेमेशन इन एस्तमा डिफर्स फ्रॉम दैट विच अकर्स इन सी ओ पी डी अच्छा एक मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि सी ओ पी डी और एस्तमा में मेन डिफरेंस क्या है एस्तमा जो है वो मोस्टली जो है वो एक्यूट एपिसोड होती है एस्तमा की के पेशेंट को एक्सपोजर हुआ किसी पोलूटेंट से या इरिटेंट से उसने फॉरन जो है वो एस्तमा का सिम्टम डेवलप कर लिया सीओपीडी में ऐसे नहीं होता सीओपीडी जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज है जो कि ओवर टाइम डेवलप होती है एब्रप्टली डेवलप नहीं होती और उसमें पेशेंट जो है वो आ, कई साल तक जो है वो ठीक रहता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके लंग्स जो है वो डैमेज होना शुरू होते हैं और इवेंचुअली वो इरिवर्सिबल लंग्स का डैमेज डेवलप करता है जिसकी वजह से उसमें सी डेवलप होता है तो फॉर इंस्टेंस एक पेशेंट है उसने आ, ट्वेंटी ईयर्स की एज में स्मोकिंग स्टार्ट की और ट्वेंटी से थर्टी ईयर्स तक फॉर टेन ईयर्स जो है पेशेंट जो है वो आ, यंग होने की वजह से ऐसा कोई सीओपीडी के सिम्टम्स डेवलप नहीं करता लेकिन ओवर टाइम लेट से थर्टी फाइव फोर्टी ईयर्स की एज में स्लोली एंड स्टेडिली वो जो है वो सीओपीडी के सिम्टम्स डेवलप करना शुरू करता है और एक टाइम आता है कि जब पेशेंट बहुत ओल्ड हो जाता है और वो कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग करता रहता है फिफ्टी ईयर्स की एज में तो वो इवेंचअली uh, जो है वो बहुत ही क्रॉनिक और सीवियर लेवल की सीओपीडी डेवलप कर लेता है तो ये एक डिफरेंस है सीओपीडी और एजमा में ठीक है तो इफ वी मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड तो एपिडोलोजी की बात करें या प्रिवेलेंस की बात करें आप लोग आजकल सुन रहे होंगे अः uh, कोरोना के बारे में के जी अब तक दुनिया में तीन लाख पेशेंट्स कोरोना के हो चुके हैं थर्टीन थाउजेंड हो चुकी हुई है तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ दिवे स्टडीज के वो बता रहे हैं कि कितना ज्यादा कोरोना जो है वो प्रिवेल कर रहा है फिर वो कंट्री वाइज भी बता रहे हैं जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी 800 प्लस पेशेंट्स हो गए हैं कोरोना के उसमें सिक्स डेथ्स हो गई हैं तो वो जो सिक्स डेथ्स हैं या फिर इवन वो आपको परसेंटेज में बता रहे होते हैं कि कोरोना का जो डेथ रेट है वो थ्री है तो दैट इज बेसिकली की बात करें सीओपीडी की तो देन डबल बिटवीन 1990 एंड 2002 थाउजेंड uh, मतलब ओवर टाइम जो कह रहा है कि 1990 से लेकर 2002 तक अगर, आग, अगर आप देखें दुनिया में जो प्रिवेलेंस है सीओ uh, पी की वो एक्चुअली बढ़ती जा रही है और इट इज लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन दूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूनाइटेड स्टेट जैसे कंट्री में जो है ये फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है तो आप अंदाजा लगा लें कि ये जो है कितना सीरियस डिसऑर्डर uh, है इसके अलावा इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन एंड पास स्मोकिंग बिहेवियर तो दो मेन जो क्लिनिकल uh, स्टडीज uh, ने फाइंड किए है रिस्पेक्टर ऑफ दी सीओपीडी उसमें एक तो एजिंग और दूसरा पेशेंट का प्रीवियस स्मोकिंग बिहेवियर तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जी सीओपीडी जो है वो ओवर टाइम डेवलप करता है जो जो पेशेंट जो है वो स्मोकर जो है वो uh, बूढ़ा होता जाता है उसके जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो डिटेरिएट होते जाते हैं तो उनमें जो है वो सीओपीडी डेवलप होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अच्छा जी फिर रिस्क फैक्टर्स की तरफ आए सिगरेट स्मोकिंग ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स ऑक्यूपेशनल डस्ट एंड केमिकल्स की एग्जांपल मैं आपको तरह देता हूं जैसे कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी वजह से बहुत ज्यादा केमिकल इरिटेंट्स जो है वो एयर बॉर्न होते हैं उसकी एग्जाम्पल क्या है जैसे कि स्टील मिल्स हैं आप अगर कभी स्टील मिल्स में जाए ये लाहौर में भी जो ये सारा बंद रोड का इलाका है और ये दरोगा वाली साइड एयरिंग रोड के आसपास बहुत सारी स्टील मिल्स लगी हुई है आप वहां पर देखेंगे कि बहुत ज्यादा धुआं जो है वो उनकी चिमनी से निकल रहा होता है तो वो जो धुआं है दैट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक और जो है वो हाईली डेंजरस ठीक है तो मतलब जो वहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे उस आ, जो इरिटेंट है या उस डस्ट को या उस पोलूटेंट को इनहेल कर रहे हैं तो उनमें भी जो उनका लंग्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है इन एयरबोन Irritants की वजह से इसके अलावा एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन आपको पता है कि हम लोग लाहौर में कॉन्टिन्यूसली uh, जब भी बाहर जाते हैं तो हम लोग इनहेल uh, करते हैं एयर पोल्यूशन को तो इसके अलावा जो स्मोक का सीजन आता है उसमें भी हम लोग जो है वो अन्ेल uh, कर रहे होते पोल्यूटेंट्स को तो वो भी हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है इसके अलावा रेस्पिरेटिव वायरसेस रेस्पिरेटिव वायरसेस की तो अभी सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है वो कोरोना वायरस है कोरोना वायरस जो है वो अभी आपने देखा कि वो भी लंग्स को डैमेज करता है इनर लाइनिंग ऑफ दिलाई को डैमेज करता है जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट्स यूपीडी डेवलप कर सकता है एच पेशेंट का इम्यूनिटी सप्रेस्ड हुआ तो उसमें जो वायरसेस हैं बैक्टीरिया हैं माइक्रोब्स हैं वो बहुत इजीली उस पर अटैक करेंगे और जिसकी वजह <coughs> uh, अच्छा, से उस पेशेंट में अच्छा आपसे एक क्वेश्चन है सबसे कि सीओपीडी uh, में इंफ्लेमेशन होती है ठीक है इन्फ्लेमेशन या एलर्जी रिस्पॉन्स जो है बॉडीज ऑन डिफेंस ये बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जो है वो करती है इंफ्लेमेशन डू यू थिंक एच या एड्स के पेशेंट्स में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है या एलर्जिक रिस्पॉन्स है तो तो क्या कहते हैं ऐसा डू यू थिंक के uh, जो uh, एच uh, के पेशेंट्स हैं उनमें जो है वो इन्फ्लेमेटरी uh, रिस्पॉन्स जो है वो uh, कम हो जाता है और एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है कम हो जाता है तो इसका जवाब जो है वो आप लोग जरूर देगा लेक्चर के एंड में है. इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स जैसे मैंने आपको बताया कि जी पेशेंट्स में एस uh, सीओपीडी और एस्तमा जो है वो साथ साथ हो सकते हैं तो एस्तमा इज मोस्टली रिलेटेड टू दी जेनेटिक फैक्टर्स और एज अच्छा जी इसके अलावा में आए कॉन्सिक्वेंट इन द्वालिटी के बारे में पहली डेफिनेशन जब हमने clinical की की थी तो हमने देखा था कि जी क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स के कोई भी इंडिविजुअल फिजिकली इमोशनली मेंटली साइकोलॉजिकली जो है वो इतना uh, जो healthy हो कि वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को विदाउट एनी हैसल या एनी ट्रबल जो है वो फुलफिल कर सके ठीक है तो आ, इसकी वजह से की वजह से टी की वजह से ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ डैमेज होती है आ, इंक्रीज रिस्क ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जब पेशेंट का ऑलरेडी एलुवेला जो है आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो बहुत से बॉर्न पोलूटेंट्स और एलर्जन और माइक्रोब्स जो हैं वो Uh, हमारी बॉडी uh, के अंदर uh, या आप हमारे रेस्पिरेटरी uh, सिस्टम के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर uh, जो है वो आते हैं तो ऑल uh, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे डिफेंस uh, लाइन्स हैं जो कि इन पोल्यूटेंट्स माइक्रोब्स एलर्जेंस को इनहेल नहीं करते होने देती लेकिन फॉर इंस्टेंस आपके नेजल पैसेज में हेयर हैं आपके इनर uh, जो लाइनिंग है ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें म्यूकस है लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर इन सब से पास होके बैक्टीरिया uh, या माइक्रोब आपके लंग्स में एलविलाय में चला भी जाए तो उस वहां पर उसको केल uh, करने के लिए जो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है दैट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द एलविलाय ठीक है तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीओपीडी में जो इनर लाइनिंग ऑफ द एलविलाई होती है वो ही डैमेज हो चुकी होती है तो आप में या पेशेंट में जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके अलावा प्रोग्रेसिव डिस्पनी ऑन एग्जर्शन ठीक है कार्डिक फेलियर कार्डिक फेलियर किस तरह हो सकता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जी सीयूपीडी uh, के पेशेंट्स में जो है वो uh, सीओ uh, के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें uh, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है ब्लड uh, की वो कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने की वजह से जो हार्ट मसल्स हैं उनको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाती है और इवेंचुअली दिस माइड लीड टू माइकॉर्डियल इंफॉक्शन पैथोफिजियोलॉजी में नेक्स्ट uh, स्लाइड में अगर हम आए तो पैथोफिजियोलॉजी है स्लाइड जिसमें uh, जो इनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जिसमें आपको अगर मैं बताऊं तो देयर इज पैथोलॉजिकल चेंज इन लंग्स दैट अफेक्ट प्रोक्सिमल एयरवेज पेरिफल एयरवेज लंग्स एंड पल्मोनरी तो पहली स्लाइड में जब हमने डिस्कस किया था डिफरेंट लोकेशन हैं उनमें जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस आती हैं <coughs> तो जिसकी वजह से जो है वो दियल्ट्रेशन इन दी टिशू स्ट्रक्चर ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड रिपीटेड इंजरी एंड टिश्यू रीमॉडलिंग ठीक है तो आ, जो आ, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की ट्रैकिन लाइनिंग है एलव है लेरेंग है ट्रैकिया है ब्रोंकाई है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रक्चरल डैमेजेस चेंजेस एंड टिश्यू डिस्फंक्शन इज ऑफन क्रॉनिक ब्रोंकटस एंड एम्फिसमा ठीक है तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि सीओपीडी में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है और एम्फेसिमा भी होता है तो इनमें सेल्स आर आर न्यूट्रोफिल्स टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स एंड एंड इनफ्लेट्री मीडिएटर्स जिसमें ल्यूकोट इंटरल्यूकिन ये सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं और आपके जो सेल्स हैं दे आर इन्वॉल्व Uh, इसके अलावा आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि हाउ सी ओ पी डी डिफरेंट फ्रॉम दिन दोनों में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं थोड़े से वो भी डिस्टिंग करते हैं uh, तो नेक्स्ट मेकेज्म लार्जस्ट सेंट्रल एंड स्मॉल पेरिफ्रल एयरवेज ठीक है तो जो लार एयरवेज हैं इंक्लूडिंग क्रैकिया एंड फर्स्ट जनरेशन ऑफ द ब्रोंकाए अच्छा, तो आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि जी ट्रेक्याय, ट्रेक्याय के बाद आते हैं एलव है, तो uh, इसमें जो इनर uh, लाइनिंग है ऑफ द ट्रैक्याय जो कि म्यूकस मेमब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसके अलावा जो इसके अलावा जो अ आपके अंकाए हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और म्यूकस की हाइपर हो जाती है जैसे कि मैंने आपको अ बताया था कि जी हाँ जी अच्छा आ, आ, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपकी जो इनर लाइनिंग है ऑफ द है ऑफ ऑफ़ एंड द एंडलव उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट सेक्रेट्स म्यूकस म्यूकस का फंक्शन क्या है कि म्यूकस इज अ स्टिकी लिक्विड जब खुदा जब खासा कोई पोल्यूटेंट या एलर्जन या फिर कोई भी वायरस जब uh, आपके अंदर इनहेल होता है तो वो जो म्यूकस हैं Uh, है, वो उसमें जाके स्टिक हो जाता है और वो फर्दर जो है वो लंग्स के अंदर नहीं जा पाता तो दैट इज लेवल ऑफ द म्यूकस प्रोडक्शन इन नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल बट क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है पोल्यूटेंट्स का तो बॉडी का करती है डिफेंस uh, मैकेनिज्म के तौर पे हाइपर सक्रिएशन करती है ऑफ द म्यूकस लेकिन वो म्यूकस जो है इंस्टेट के वो आ, बेनिफिट करे वो उल्टा नुकसान देना शुरू कर देता है कैसे के जी वो जो हाइपर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है म्यूकस की वो आ, फर्दर जो है वो एयरवे को नैरो कर देता है फर्दर सांस लेने में दुश्वारी कर देता है फर्स्ट करें वो जो म्यूकस है अगर वो स्टक हो जाए इन दलविलाई लंग्स के अंदर तो जो लंग्स की ऑक्सीजन uh, के जो इनहेलेशन uh, कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी ठीक है ठीक है म्यूकस रिजल्ट प्रोडक्टिव कफ तो एक सिम्टम्स जो सीओपीडी का आपको बताया कि जी उसमें म्यूकस जो है वो दैट रिजल्ट्स इन क्रॉनिक कफ फिर इम्पेयर सेल्यूर फंक्शन रिड्यूसिस म्यूक ठीक है तो आ, जो आपके आ, लंग्स हैंटरी ट्रैक्ट है उनमें छोटे छोटे सीरिया आ, होते हैं जो कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं म्यूकस को एक्सपेल आउट करने में फ्रॉम दी रेस्परेटरी ट्रैक्ट लेकिन आ, जैसे मैंने आपको बताया कि COPD में जो आपका स्ट्रक्चर uh, चेंजेस हो जाते हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसकी वजह से जो सीलिया है वो भी डैमेज होता है और जो सीलिया की फंक्शन uh, है ऑफ द एक्सपल्जन ऑफ म्यूकस वो भी खराब हो जाता है एक तरफ हाइपर सेक्रेशन हो रही होती है म्यूकस की दूसरी तरफ जो है वो सीलिया उस म्यूकस को एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा होता तो आपके लंग्स के अंदर जो म्यूकस है वो

जब अगर को, खुदाना खासा को अंदर चला गया, वहाँ उसको बहुत कोई म्यूकस मिल गया है तो वो म्यूकस में बहुत ज्यादा इजिली ग्रो करेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा ठीक है हाँ अब ये लास्ट पॉइंट जरा आप लोग पढ़ लें हाइपर इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन का मेथड ये है कि आ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीलरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक वो इम्पेयर्ड हो जाती है तो सीलिया जो है वो म्यूकस और एयर को एक्सपेल आउट नहीं कर पाता जो भी सांस इंसान या इंडिविजुअल अंदर खींचता है वो आ, जो है वो दोबारा एक्सपेल आउट करने के लिए सीलिया और जो लंग्स हैं उनको हंड्रेड परसेंट अपनी कैपेसिटी पे होना चाहिए क्योंकि जब आप आ, सांस को अंदर खींच रहे हैं तो लंग्स इज लाइक ए बैलून मतलब आप बैलून में हवा भरते जाए भरते जाए भरते जाए वो इन्फ्लेट होता जाएगा ठीक है लेकिन आप जब बैलून को ऊपर से बंद कर देंगे तो बैलून के अंदर जो हवा है वो बाहर नहीं निकल पाएगी और बैलून जो है इन्फ्लेटेड रहेगा ठीक है लेकिन अगर आप बैलून को ऊपर से खोल दें जो हवा उसके अंदर है वो बाहर निकल आएगी और बैलून दोबारा अपनी पोजिशन पे वापस आ जाएगा लेकिन फर्ज करें कि आप बैलून में कॉन्टिन्यूसली हवा भरी जा रहे हैं भरी जा रहे हैं और एक टाइम आता है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें हवा हो जाती है और वो फट जाता है ठीक है तो लंग्स में भी जो हवा अंदर जा रही है उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है ताकि दोबारा से हवा अंदर जा सके ठीक है जो दोबारा से एयर ऑक्सीजन बनने इनहेल करनी उसकी जगह बन सके लेकिन सीओपीडी में क्या होता है कि जी जो हवा अंदर चली गई है उसमें से कुछ एयर एक्सपेल आउट होती है कुछ अंदर ट्रैप हो जाती है लंग्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में और उसकी वजह से जो है वो कंटिन्यूसली जब पेशेंट ब्रीथ करता रहता है कंटिन्यूसली उसके अंदर हवा ट्रैप होती रहती है लंग्स के अंदर तो एक टाइम आता है कि उसके जो लंग्स है वो हाइपर इन्फ्लेट हो जाते हैं और उनमें मजीद एयर को इनहेल करने की कैपेसिटी नहीं रहती है ठीक है तो इसके अलावा Uh, मेरे ख़्याल में हम लोग थोड़ी सी पांच मिनट की ब्रेक ले लें और पांच मिनट की ब्रेक के बाद एलेवन फोर्टी में हम लोग जो है बाकी स्टार्ट uh, करेंगे और लेट्स सी के हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक पढ़ लेंगे बाकी हम लोग रिसकेजल uh, कर लेंगे अगले uh, लेक्चर में